आज हम बना रहे हैं हांडी। और ये सारा मसाला जो हमने रखा है हांडी के लिए रखा हुआ है, चार टमाटर हैं मेरे पास जो कि मैंने ऐसे कट कर लिए हैं और इसमें मैं डाल दूंगी, और अदरक लहसुन है, और एक बड़ी सी प्याज है, और छह हरी मिर्चें हैं। ठीक है, इन सबको मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी और उसके अंदर अच्छी तरह से पका लूंगी, और फिर आगे बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और ऑयल अच्छी तरह से प्री हीट हो गया है, और यहाँ मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिया है अपना 1.5 गिलास पानी के अंदर, और ये अच्छी तरह से अभी ये ऊपर ऊपर है, जब सॉफ्ट हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो जी हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने चिकन। ठीक है, चिकन मेरी क्यूब्स में कटी हुई है, 1 किलो चिकन है मेरी। ठीक है, और ये चिकन हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इस चिकन को पूरा अच्छी तरह से पकाएंगे। अच्छा, फ्लेम तेज़ होना चाहिए फुल टाइम, और फुल टाइम तेज़ उसके अंदर हमें इसका पानी ड्राई करना है। बिल्कुल इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा तो ही हम इसको जो है आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। जब तक हमारा इसका पानी ड्राई हो रहा है, जब तक हमारा ये जो मसाला है ये भी पक जाएगा, और इसको हमने बिल्कुल अभी इसमें से बहुत पानी निकलने वाला है, पानी की हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका नाम क्या है, इसी पानी के अंदर ये हो जाएगी। हम देखें पूरी रेसिपी में पानी यूज़ नहीं करेंगे। सही है, तो ये अच्छी से हो रही है, और इसको फुल फ्लेम रखा हुआ है मैंने, तेज़ फ्लेम पे ही पकाना है, और इसको हमने जो है स्लो फ्लेम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि पानी इसके अंदर ज़्यादा है और ये फुल फ्लेम पे ही पकती है, तेज़ फ्लेम पे ही पकेगी। अगर मैं ये मसाला भी डालूँगी इसका तो ये भी तेज़ फ्लेम पे ही जब पकेगा, ये स्लो फ्लेम पे नहीं पकेगा। तो जब ये हो जाए तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखो हमारा चिकन का कलर बदल गया है, यानी कि हमारी आपने इसी तरह अगर करेंगे तो आपकी हांडी बहुत अच्छी बनेगी, और ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास हैं ये मसाले। ठीक है, धनिया पाउडर है मेरे पास, लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है। ठीक है, ये मैं डाल दूँगी इसमें, और इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें से जो बहुत सारा पानी हमारा निकल आ गया है सिर्फ वो पानी हम इसमें से यही वाला पानी यूज़ करेंगे, टमाटर वाला। ठीक है, और फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे अभी, और इसको भून लेंगे। इसको ज़रा सा हमने पानी डाला है, और फिर भी वो पानी कमी था, जो पानी पक रहा है उसके अंदर से ही डाला है निकाल के मैंने, पानी मैंने कोई दूसरा वाला पानी नहीं लिया। ठीक, तो ये देखिए, ठीक है, ये हो जाए तो हम मसाला पीसते हैं। अच्छा, हमने इसको ढक दिया है। ठीक है, मसाला हमने डाल के इसको ढक दिया है, बट ढकना उस वक्त ढका था जब एकदम छींटे उठ रही थी, मगर ढकना नहीं है हमने, इसलिए कि फिर ये इसमें स्टीम बन जाएगी तो पानी बहुत सारा जमा हो जाएगा। ठीक है, हमने जितना पानी अभी इसमें टमाटर और लहसुन अदरक और जो पानी था इसका, हमने इसी पानी को ड्राई करना है इसके अंदर, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। जी ये अच्छी सी तैयार हो गई है, इसमें मैंने 2 चम्मच दही भी, टेबल स्पून भी ऐड किया था दही का। ठीक है, तो इसका कलर बड़ा फाइन और बड़े मज़ेदार सा हो गया है, और ये बिल्कुल अच्छी रिच किस्म की तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि ये ग्रीन चिली डाल दी हमने, और ये हमने बारीक जूलियन काटा हुआ अदरक डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और हम अब इसके अंदर डालेंगे जो इसकी मेन चीज़ है। ठीक है, वो मेन चीज़ ये है कि हम इसके अंदर जो है ये क्रीम ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये ऐड कर दी हमने इसकी क्रीम, फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी, और थोड़ा सा ये हरा धनिया है जो हमने बीच में रख दिया है,
ये फ्लेम ऑफ हो गया और हमारी अच्छी सी हांडी तैयार है। और मैं इसी तरह सर्व करूँगी, इसी डिश में सर्व करूँगी ताकि इसका जो है खूबसूरती ख़राब ना हो। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दूसरी रेसिपी में मिलेंगे। आज क्या पक रहा है भाई सलमा फ़ारूक? आज सैटरडे है, ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा। गोश्त में बनाना चाहें तो गोश्त को पहले बॉईल कर लें और फिर इसी तरह पूरे इंग्रेडिएंट्स डालें तो आपकी गोश्त, बीफ, मटन जिसमें भी बनाना चाहें उसमें बन सकती है ये, ठीक है। फ़िश में बनाना चाहें तो पहले मसाला तैयार कर लें और फ़िश को अलग-अलग से फ्राई कर लें और फिर उसको एंड में फ़िश को उसके अंदर शामिल कर लें। तो आज की हांडी हमारी तैयार है, चिकन हांडी बोनलेस, ओके। तो मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।